नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अमरीश कारी। आपका अपने YouTube चैनल हेल्दी सब्सक्राइबर्स पर स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे REPL 58 के बारे में। ये एक होम्योपैथी की पेटेंट दवाई है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किन लक्षणों और किन रोगों में ये दवाई असरदार रहती है। जानने के लिए वीडियो पूरा देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हेल्थ रिलेटेड वीडियो से आप अपडेटेड रहे। लास्ट में मैं आपको बताऊँगा इस दवाई की सही डोज क्या होती है। दोस्तों, REPL 58 को हम इंसोमनिया में देते हैं, यानी अनिद्रा के केस में देते हैं। किसी भी एज ग्रुप के लोगों में इसे हम दे सकते हैं। छोटे बच्चों से लेकर अडल्ट्स तक हम इसे दे सकते हैं। अनिद्रा किसी भी वजह से हो, एंजाइटी डिप्रेशन के पेशेंट में अगर अनिद्रा हो तो उसमें भी ये दवाई इफेक्टिव रहती है। एंजाइटी को भी कंट्रोल करती है, साथ ही पेशेंट को नींद दिलाने में बहुत इफेक्टिव रहती है, अनिद्रा में काम आती है। इसके अलावा जिन लोगों पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, जिसके कारण पेशेंट हमेशा चिंता में रहता है और उसे रात को नींद भी नहीं आती है। दोस्तों, ऐसे लक्षण किसी भी एज ग्रुप में दिखे, यानी अगर वृद्ध लोगों में भी ऐसा देखने को मिलता है, उनके अंदर बेचैनी देखने को मिलती है, तो भी ये दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। इसके अलावा जो बच्चे स्कूल जाते हैं एग्ज़ाम्स के टाइम पर, उनको बहुत ज़्यादा बेचैनी एंजाइटी देखने को मिलती है, टेंशन के कारण कई बार उनको नींद न आती हो। इसके अलावा अडल्ट्स में जो लोग रात में नौकरी करते हैं, यानी नाइट शिफ्ट जिनकी होती है, ऐसे में कुछ लोगों की नींद डिस्टर्ब हो जाती है और उसके बाद अनिद्रा की शिकायत उनमें लगातार कई टाइम तक, यानी कई सालों तक देखने को मिलती है। ऐसे में अगर पेशेंट को REPL 58 दी जाए तो बहुत इफ़ेक्टिव दवाई रहती है। अब इसमें कॉम्पोजिशन की बात करते हैं, यानी कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन डाली गई हैं। सबसे पहली दवाई इसमें एविना सटाइवा डाली गई है। एविना सटाइवा ऐसे लोगों में इफ़ेक्टिव रहती है जो पेल्पिटेशन का शिकार रहते हैं, जिन लोगों में घबराहट देखने को मिलती है या नर्वस रहते हैं, नर्वस एग्जॉस्टेड यानी नसों की कमजोरी जिन लोगों में देखने को मिलती है, कमजोरी थकावट होने के बाद भी अनिद्रा के, ऐसे केस में दवाई बहुत इफ़ेक्टिव रहती है। अगली दवाई इसमें पैसिफ्लोरा डाली गई है। ये दवाई भी नर्वसनेस में बहुत इफ़ेक्टिव रहती है, एंजाइटी डिप्रेशन के केस में दी जाती है। इसके अलावा जिन लोगों को नींद नहीं आती है, अनिद्रा में बहुत असरदार रहती है, इंसोम्निया में भी इसे हम देते हैं। ऐसी ही कुछ और दवाइयाँ इसमें डाली गई हैं। अब इसके कॉम्पोजिशन की बात हमने कर ली तो डोजेस की बात करते हैं। दोस्तों, इसे क्रोनिक इंसोम्निया में, यानी जिन लोगों में लंबे टाइम से परेशानी चलती आ रही है, दिन में 3 से 4 बार हम देते हैं, लगभग इसकी 15 से 20 ड्रॉप थोड़े पानी में डालकर। लेकिन अगर आपको ऐसी कोई परेशानी है, एक बार अपने होम्योपैथी डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले, डॉक्टर की सलाह लेकर ही सही डोज ली जाती है। तो दोस्तों, अगर एक्यूट कंडीशन है, एक्यूट कंडीशन में सिर्फ इसे हम सोने से पहले यानी रात के टाइम देते हैं, इसलिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर ले। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी होम्योपैथी दवाई नहीं लेनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं। ट्रीटमेंट या सलाह के लिए दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कर इलाज या सलाह ले सकते हैं। थैंक यू।